यहाँ पे ये पानी का फ्लो दिख रहा है। अब यहाँ पे ये पुल क्रॉस करते हुए चल रहा हूँ। ये एरिया का नाम टूटा पुल है क्योंकि ये पुल ही टूटा हुआ है। ठीक, देखो भाई कुछ काम कर रहे। बांध बना रहे हो क्या? हाँ भाई, बांध बना रहे हो? बांध बना रहे हो? मछली बताएगा इसमें। क्या बनाओगे? मछली बताएगा इसमें। अच्छा, मछली पकड़ोगे इसमें? मछली ये अभी इसको डालेगा तो सुबह उठाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आप अभी रखोगे और सुबह निकालोगे। आता है मछली इसमें? हाँ आता है, इतना इतना आता है। सही है, तो ये आप रख के देखो, जरा देखते हैं क्योंकि मैं तो देखा नहीं ऐसा कभी। तो यहाँ पे इन्होंने पत्थर निकाल दिया और ये इस तरीके से लगा दिया इस पर, और ये कह रहे हैं कि इसको रात भर रखेंगे तो सुबह यहाँ पे मच्छी मिल जाएगा इनको। ये डेली आते हैं मच्छी यहाँ पे? कुछ ऐसा दिन रहता है, एक दो दिन छोड़ के आते? डेली आते? डेली डेली आते। हाँ अच्छा। ये लाल पुल बहुत ही क्लियर व्यू, ऊपर से पानी बह, ऊपर से पानी नीचे जाते हुए, और यहाँ से साइड से पानी आगे की तरफ चल रहा है। ज़रा सा नीचे जाके आपको बताते ये वाला एरिया क्लीन व्यू दिखाने के लिए। ये देखिए पानी ऊपर की तरफ से बहते जा रहा है और यहाँ से पानी आके ये साइड से अंदर की तरफ। आपको पानी में अगर मैं रिफ्लेक्शन बताऊँ, देखिए ये चीज़ जो है पानी में आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का आपको नज़र आ रहा है पानी में। अब इसको मैं ऊपर आपको दिखाऊँ तो ये देखो आसमान है। अब आसमान का जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में बहुत ही क्लीन नज़र आ रहा है। पानी घाटा में हम लोग पहुँच गए। ये देखिए जो मैं एरिया बोल रहा हूँ ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे चलेंगे। ये सैंड बोल सकते हो इसे, इस तरीके से कहते हैं कि ये जो पानी है ये पहाड़ों से पिघल के इस रूट से आते हुए आगे सिलीगुड़ी और बागडोगरा के साइड पे जाते हैं। देर इज़ अ वेरी प्लेजेंट व्यू, ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ नज़र आएगा। अगर आप दार्जिलिंग जाना चाहते हो तो वो रूट पकड़ के आगे से आपको टर्न लेना होगा, और यहाँ पर ये बहुत प्यारा व्यू और पिकनिक स्पॉट भी कह सकते हो इसको। यहाँ पे एक प्रॉपर बीच वाला फीलिंग आ रहा है। ठीक है, प्लेस का नाम है MM तरह है। ठीक है, मैं आ चुका हूँ। नाउ इट्स हिज टर्न, देखते वो कहाँ से आ रहा है। यो नहीं, नीचे होता है। चलो ठीक है, उसका फोटो सेशन टाइम्स, आई वोंट बी डिस्टर्बिंग हिम। अभी बहुत क्लीन है, गाय यहाँ पे रास्ता क्रॉस करते हुए। और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखो फुल क्लीन है पानी, ठंडा भी लग रहा है यहाँ पे। और एक सेकेंड भाई, ये देखो तब आप देख रहे हो, अब ये पूरा क्राउड एक साथ क्रॉस कर रहा है। बाद में सामने का व्यू अगर मैं और थोड़ा सा वाइड कर दूँ, ये बहुत क्लीन लग रहा है। जो वाइट सैंड का जमा है बीच के साइड पे, वो एक अलग ही व्यू देता है इस जगह को। ठीक है, ये रेती है तो मेरा पैंट ढसते जा रहा है अंदर। ज़रा सा मैं इसके नीचे का जो मिट्टी है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, ये भी आपको निकाल के बताता हूँ। ये देखो भाई, एक सेकंड में जूम कर लेता हूँ। ये देखो पूरा लाइन में यहाँ पे आप लोगों को देख रहे हो झाड़ वगैरह लेकर क्रॉस करते हुए। यहाँ पे अगर आप आना चाहते हो तो बाय फोर व्हीलर, बाय टू व्हीलर, बाइक, स्कूटी, टोटो आप आ सकते हो। बस में आने के लिए यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं अवेलेबल है कि बस में आप उतर के यहाँ पर आ सकते हो, ऐसा नहीं है। कल आपका प्राइवेट व्हीकल होगा या दोस्तों के साथ, आप इन शॉर्ट आपका खुद का व्हीकल होना चाहिए, वहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हो और ये सुंदर व्यू को एंजॉय कर सकते हो। आपको लोग पार्टी करते हुए भी नज़र आएंगे, जो कार वगैरह रुक रहे। यहाँ पे कुछ क्राउड है जो पानी में मस्ती करते हुए आपको नज़र आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मैं हाथ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे हाथ दिखा रहा हूँ वहीं पे पानी नज़र आएगा आपको, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।